अपने आप को देखने के बाद आवश्यकता है कहने की, परमेश्वर मैं उनके दिल को नहीं जानता, उनका व्यवहार मुझे बुरा लगा, अच्छा लगा, जो भी हो, पर मैं उनको नहीं जानता, मैं उनके बारे में कभी भी अपनी राय कायम नहीं कर सकता। मुझे पता है बचपन के दुर्व्यवहार के कारण मैं अजीब सा व्यवहार करती थी, मेरा मतलब मेरा अजीब सा व्यक्तित्व था। कई बार लोग मुझसे कहते थे तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, और मैं सोचती क्या मतलब मेरे साथ क्या गलत होने वाला है, मुझे नहीं लगता मेरे साथ कुछ गलत था। मैंने सोचा उन सभी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ ही होगा, उन्होंने जो कुछ किया मेरे व्यवहार को देखकर किया, पर वो मेरा दिल नहीं देख पाए। और बहुत बार हमें किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता तो हम उसे जानने का प्रयास नहीं करते, और यही एक कारण है जिसकी वजह से हम उतने लोगों की मदद नहीं कर पाते जितनों का बुरा व्यवहार होता है। इसलिए राय बनाने में हम बहुत धीमा चलते हैं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछना चाहिए यदि इस व्यवहार के पीछे कुछ है जो परमेश्वर करता है, यदि इस व्यवहार के पीछे कुछ है जो परमेश्वर करता है मुझे बताओ। यह आश्चर्यजनक है जब हम जरा भी परवाह करते हैं जिसके बारे में परमेश्वर परवाह करता है, और हम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कर पाते अपनी सांसारिक राय के बारे में।